हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ने आपके लिए चार्ट सीरीज की पूरी सीरीज स्टार्ट की थी। तो इस पैटर्न में क्या जरूरी है, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, वो जानेंगे। तो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ये आपके लिए ही घातक साबित होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि सही जगह कहाँ पे एंट्री लेनी है। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वे में चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने के बारे में एकदम नहीं बोल रहा, कि जो ट्रेडिशनल वे है वो हो गया बहुत ओल्ड स्कूल वे, और बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल वे अब नहीं चल रहा, क्योंकि मार्केट में ट्रैप बहुत ज्यादा किया जा रहा है ताकि बड़े ट्रेडर्स को लिक्विडिटी मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में। पैटर्न देखिए दोस्तों, कुछ इस वे में दिखता है, जहां पे आपके तीन बॉटम्स होते हैं, 1, 2, 3, और मार्केट एवरी टाइम इसी बॉटम के आसपास से सपोर्ट लेता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो ये तो मोटा मोटा हो गया आपका ट्रिपल बॉटम के पैटर्न के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बुकिश लैंग्वेज में कि क्या इसका मीनिंग है और कैसे रिटेल इस पे ट्रेड करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे आपको ट्रेड करना है, ओके? बिकॉज आप अगर मेरे साथ हैं तो आप रिटेल नहीं हैं, ओके? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही वे में आपको ये सब पैटर्न्स को ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने इस पे काफी टाइम दिया है और मुझे पता है कि पैटर्न्स 10 में से 7 बार फेल होंगे, और अगर 3 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब उस 7 बार में आप बहुत ज्यादा कमाएंगे, ठीक है? चलिए तो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कैसे होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अ ट्रिपल बॉटम पैटर्न इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न यूज इन टेक्निकल एनालिसिस दैट अ सिग्नल अ पोटेंशियल रिवर्सल इन अ डाउन ट्रेंड। इट इज फॉर्म आफ्टर अ सिक्योरिटी प्राइस हिट अ लो 3 सेपरेट टाइम विद अ मॉडरेट रीबाउंड्स बिटवीन द लोस, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दैट एरिया। हियर्स आर सम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न का इसमें क्या होता है कि ये बुलिश पैटर्न है, मींस कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ऑलरेडी फिर ये पैटर्न बन रहा है जिसका 3 बॉटम एक साथ है, जो दिखा रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे और यहां से रिवर्सल आ सकता है, इसलिए ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ओके? चलिए फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिक्लाइन टू अ लो एंड देन रीबाउंड फॉर्मिंग द फर्स्ट बॉटम। चलिए ठीक है, पहले मार्केट ऐसे गिरी और पहला लो लगाई, फिर रिबाउंड की, ओके? The price then declined again to approximately the same level as the first bottom and rebound once more forming the second bottom. ठीक है, price फिर से ये low लगाई, but approximately यहाँ पे जो पहला bottom बनाई थी वहीं के आसपास से फिर rebound हुई, okay? ठीक है, finally the price declined a third time to about the same level and rebound forming the third bottom. ठीक है, फिर से वो ऊपर गई और फिर से वो same जगह ही से जो पहले previous दो लो से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी उसी जगह से फिर से रिबाउंड की और ऊपर गई। तो ये आपका बन गया ट्रिपल बॉटम, 1, 2, 3, 3 बॉटम्स लगा दी, तो इसी को कहेंगे ट्रिपल बॉटम। चलिए अब इसका जो की फीचर्स है, की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं, ओके? तो पहला आपका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इक्वल लो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, 3 लोज आर रफली इक्वल इन प्राइस इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वॉल्यूम, volume typically decreases during the formation of the pattern and then increases as the price break above the resistance level. देखिए ये बहुत ही traditional way है जिसमें बताया जा रहा है कि जब pattern form हो रहा है तब वहां पे volume decrease हो रहा है, और जब market break कर resistance वहां तो volume increase होगा, ठीक है? बहुत traditional way है, ठीक है? resistance level, there is a resistance level formed by the highs of the rebounds between the bottoms. When the price break above this resistance, it signal a breakout and a potential upward. ठीक है, जब ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल बना है, ये 3 बॉटम जब ऐसे बन रहा था तो एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा था, ठीक है? तो मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो अब न्यू हाई की तरफ जाएगी, न्यू तेजी से ऊपर जाएगी, और जब ये ब्रेक करी तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का सपोर्ट मिला, तो ये दिखा रहा है कि भाई ये जो ब्रेकआउट है क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट है, ओके? चलिए सिग्निफिकेंस, अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। द ट्रिपल बॉटम पैटर्न इज कंसीडर्ड अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो बेरिश है, और वहां पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है जो कि वो 3 सपोर्ट दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, वहां से अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रही है या ब्रेक कर रही है तो वो दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल साइन, ओके? ट्रेडर ऑफन लुक फॉर अ कंफर्मेशन ऑफ दो अदर टेक्निकल इंडिकेटर ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस बिफोर मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, ओके? चलिए अब इसका क्या मतलब है कि आप अगर पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लोगे, आप अदर इंडिकेटर जैसे RSI देख लो कि वो भाई ओवर सोल्ड हो गया तो यहाँ ब्रेकआउट है तो मार्केट हो सकता है इसको सपोर्ट करे ऊपर जाए, या MACD का क्रॉसओवर देख लो,
या फिर आप ये देख लो कि हाँ ये 20 डे मूविंग एवरेज या गोल्डन क्रॉसओवर, वेरियस अदर इंडिकेटर है, बट कोई भी इंडिकेटर हो या जो भी लगा लो, जो मैं बताऊंगा उससे बेटर कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि बॉटम पे कैसे पकड़े, और वहां से अगर आप पकड़ते तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, दैट्स व्हाई आपको फर्क नहीं पड़ता, और आपको टारगेट से 5 times, 10 times, 20 times बड़े होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, चलिए अब ये स्ट्रेटेजी वैसी है कि जो सारे ट्रेडर्स को पता है और जो सबको पता है वो कॉमन है, और हम लोग कॉमन चीज करेंगे नहीं, जो सबको पता है वो कॉमन, तो वो चीज करने से कोई फायदा भी नहीं है, उसके अपोजिट ही करेंगे तो पैसा बनाएंगे, क्योंकि मार्केट भी यही है, मार्केट की साइकोलॉजी भी यही है। देखिए अगर साइकोलॉजी की बात करी तो आपको पता है कि जहां पे सबके स्टॉप लॉसेस हैं वहीं पे आती है मार्केट फिर कट जाती, क्योंकि आपके साथ मेरे साथ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं जो बिगनर से वो सोचते होंगे मैं लगाता हूं ट्रेड मेरा ही लॉस लेके जाती है, तो ये गलत बात नहीं है, ये सोचना सही है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप वही चीज कर रहे हो जो यूट्यूबर्स ने बता के रखी हुई है, बट मैं वो चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग चल रही है। देखिए मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, अगर मुझको ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं तो उनके अपोजिट ट्रेड लेता हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट में निकलता हूँ, ठीक है। लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम, बट अगर आपको इस तरह वे में ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। चलिए एंट्री पॉइंट, ट्रेडर्स माइट एंटर अ लॉन्ग पोजीशन व्हेन द प्राइस ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस लेवल विद इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। Stop loss order is often placed just below the support level, the price of the three bottom to manage the risks. अब देखिए सबका common stop loss यहाँ पे on a chart क्या बताया गया या on a paper क्या बताया गया, ये triple bottom है, अगर ये price break किया तो सबके यहाँ पे SL होंगे, ठीक है। Okay, market यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे trailing SL होंगे, okay, ठीक है। Price target क्या है? Price target देखिए बहुत simple होता है, ठीक है। The price target after a breakout can be estimated by measuring the distance from the support level to resistance level and projecting that distance upward from the breakout point, ठीक है। आपका अगर breakout आ गया तो वहां से आप क्या करोगे, breakout point से support level का एक measure करोगे, अगर वो 100 points का difference में है तो breakout से आप 100 point उसको add on कर दोगे तो वो आपका target level हो जाएगा, ठीक है। In summary, अब last में पढ़ लेते हैं, the triple bottom is a technical analysis pattern that indicates a potential reversal in a downtrend, suggesting that the price may begin to rise after forming three consecutive lows approximately at the same level, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, चलिए इसको एक बार मैं अपने वे में बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे, इस पैटर्न को खोजने की कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिला तो आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या कौन से हमारे दो सेटअप है जिससे आप ट्रेड करोगे। चलो लेट्स बिगिन, ये डाउन ट्रेंड था, ये लगा आपका ट्रिपल बॉटम, ठीक है, ये ट्रिपल बॉटम लगा, ये आ गया आपका ब्रेकआउट, तो अंडरस्टैंड करिए इस ब्रेकआउट में आपके ब्रेकआउट ट्रेडर आ गए, ठीक है। वहां पे यहाँ पे इंटर कौन किया हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडर, यहाँ पे कौन इंटर किया हुआ, रिट्रेस ट्रेडर। अब मार्केट अगर ये ऐसे गई, जब ये ब्रेक कर दी तो हम लोग को क्या करें, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इंटर किया होगा अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ लगाया होगा, बट मार्केट जब ऐसे कर देगी तो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ होगी। जब मार्केट यहाँ पे आके कोई भी लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न छोटा टाइम फ्रेम में मींस मिनिमम 1 hour पे बनता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पहला सेटअप, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप ऐसा बना, इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में मिनिमम 1 hour पे, तो हम लोग उसका हाई ब्रेक करते हैं, इंटर लेंगे, ये मेरा एसएल होगा और रिसेंट हाई मेरा टारगेट होगा, और अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो आप अपने ब्रेक इवन पे एसएल लाइए और फिर और ट्रेंड को राइड करिए, क्योंकि जनरली जब ब्रेकआउट इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है, ओके। तो ये रहा हमारा सेटअप नंबर 1, अब हम लोग सेटअप नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए सेटअप नंबर 2 क्या है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अगर मार्केट में ठीक है ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ने इस तरह का कुछ करके ऐसे किया है, ठीक है, तो समझ लीजिए मार्केट ने ये बॉटम लगाया है, ठीक, ये हो गया आपका ट्रिपल टॉप। जब मार्केट यहां से ऐसे करके ब्रेक की है, ठीक है, जब ये ब्रेक की है तो इस ब्रेकआउट पे लोग आए होंगे तो यहाँ पे सबके एसएल होंगे। हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे आके जब मार्केट आएगी तो एसएल यहाँ पे लेंगे, ओके, अंडरस्टैंड हुआ कि यहाँ पे अगर मार्केट वापस आए तो यहाँ पे एंट्री रहेगी, ये हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो रिसेंट स्विंग पे एसएल लगा दिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चार्ट पे लेते हैं, सेम किस वे में एंट्री, हमारा लिक्विडिटी स्वीप वे में एंट्री होगी, वो मेरा फेवरेट चीज है। अब हम लोग देखते हैं ये, ठीक है। चलिए ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और मैं कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, चलिए अडानी पोर्ट ले लेता हूँ, ठीक है, अडानी पोर्ट से। चलिए डाउन ट्रेंड में हम लोग को पहला तो फाइंड आउट करना है कि डाउन ट्रेंड कहाँ हो भाई,
चलिए वैल्यू ये हम लोग को मिल गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। देखते हैं हम लोग, जैसा मैंने बताया ये देखिए 1 2 का 3, ठीक है 1 2 3 ये आया आपका ब्रेकआउट, ठीक। ये मार्केट ने लो लगाया, ये ऊपर गया हाई, अब हम लोग को इसके नीचे एंट्री लेनी है। अब देखते हैं क्या इसके नीचे एंट्री आती है कि नहीं आती है लिक्विडिटी स्वीप के वे में, ठीक है। चलिए ओके वेल और बहुत ही अच्छा, ठीक है। हमारा देखिए कितना परफेक्ट, कितना परफेक्ट ये था, ठीक है। ये देखिए आप, इसके नीचे हमारी एंट्री थी, ये हुई लिक्विडिटी स्वीप, ठीक। इसका हाई निकलने के बाद हमें एंट्री लेनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। चलिए देखते हैं कितनी बड़ी एंट्री हो, कितना बड़ा स्टॉप लॉस आया हम लोग को, ठीक है। हमारा वो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से कर लेते हैं, कितना 628 पे एंट्री, 568 मींस ऑलमोस्ट आउटलॉस 28 + 34 ऑलमोस्ट आपका हो गया 72 के आसपास या 62 के आसपास। और हमारा टारगेट देखिए कितना तेजी से अचीव होते हुए, वाओ एक बार भी नहीं देखा कितनी तेज मूवमेंट आई। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न को कैसे ट्रेड करते, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग को इसमें अप्लाई करते हैं और कैसे लिक्विडिटी स्वीप की मदद से आप पे इसमें एंट्री लेते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करे। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके ओपन करवा सकते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।